एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में हमारे हॉस्पिटल्स है जहां मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का उपचार करते हैं। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन ये एक मानसिक अवस्था है, मानसिक बीमारी है, जिसमें ऐसा मानसिक आघात हो जाता है जबरदस्त, या शारीरिक आघात ऐसा जबरदस्त हो जाता है कि उसमें वो व्यक्ति एकदम टेकन अबैक हो जाता है, बहुत जबरदस्त। और जैसा ही वो मानसिक आघात हो जाता है, ऐसे बहुत बड़ा इंसिडेंट, ऐसा बहुत बड़ा मतलब घटना हो जाती है, बहुत बड़ी, कि जिससे मतलब उसके होश हवा निकल जाते हैं, होश निकल जाते हैं, मतलब इतना बड़ा हो जाता है वो। एक घंटे में उसकी शुरुआत होती है ये तकलीफ की, मतलब ये बीमारी की शुरुआत, जैसा कोई आघात हुआ, कोई घटना हुई, उसके एक घंटे में शुरुआत हो जाती है। यूजुअली 48 घंटे में वो ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें काफ़ी बहुत धड़कन, सीने में धड़कन, पसीना बहुत आना, हाथ पैर कांपना, मुंह सूखना, दम घुटना, पिछाती में दर्द होना, बेचैन होना, इधर से उधर ऐसा लगता कि मर जाऊंगा, घबराहट, नींद नहीं आना, मतलब ऐसे उसको लक्षण चलते, खाना नहीं चलना, और ऐसा लगता है कि उसको मर जाएगा, ही खुद को भी लगता है कि मर जाएगा। और उसको घटना जो होती है, परिस्थिति में जो भी कुछ होता है, वो सहन नहीं होता उसको, उसको लगता है कि भी मैं मर जाऊंगा, लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना घबरा जाता है वो, ना बैठ सकता, ना सो सकता, ना घूम सकता है। उसको रीएश्योर करने की ज़रूरत होती है, रीएश्योरेंस करना, शांत करना उसको, उसकी बातचीत सुन लेना, उसकी क्या बोल रहा है वो, उसके ऊपर क्या आघात हुआ, क्या एकदम ऐसा स्ट्रेस आ गया, वो सुन लेना। ऐसे व्यक्ति को हम इंजेक्शन देते हैं नींद का, तो इंजेक्शन नींद का देके उसको सुला सकते हैं और सो जाता है तो अच्छा लगता है। यूजुअली क्या होता है कि एक आधे बार ऐसा एक्सीडेंट में जब डेथ हो जाती है ना किसकी, और जब डेथ हो जाती है और जब डेड बॉडी घर में आती है, तो घर के समझो उसकी पत्नी है ना, या बच्चे ऐसे एकदम बेहोश हो जाते हैं, और उनको काफ़ी सारा मतलब ऐसा बहुत बड़ा हादसा जैसा उनको लगता है, और वो फिर उनको तकलीफ चालू हो जाती है, तो उनको नींद मतलब उनको देना, सुलाना, और कोई दवाई देना, साइकोथेरेपी देना, मानसोपचार सुन लेना, उनकी बातें जो भी उनको लग रहा है वो, और आगे ऐसा नहीं होने को ना, उसके लिए उनको पावरफुल बनाने का कार्यक्रम करना पड़ता है, मतलब उसको बाद में साइकोथेरेपी देना पड़ता है, कि भाई आगे चल के ऐसा ज़िंदगी में तो होने वाला है ही, कि कुछ ना कुछ ऐसे बड़े बड़े कोई हादसे होने वाले हैं कि जिसमें इसको ऐसा फिर से हो सकता है। तो यूजुअली ये हमें मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया, कोई डेथ हो गई, एक्सीडेंट डेथ हो गई, तो उसमें फिर पेशेंट को लाते हैं, बहुत सीरियस हो गया करके, क्योंकि कभी कभी इसमें बेहोश भी हो जाता है व्यक्ति, और झटके भी मार देता है, उसको लगता है कि नहीं ये भी मर जाएगा, इसको लगता है कि अपने को भी अटैक आ गया, तो उसको फिर सिर्फ शांत करना, सुलाना, आराम कर देना उसको, मतलब ये करना पड़ता है, उसकी सुन लेना है, और उसको शक्तिशाली बनाना ताकि आगे वैसा ना होना चाहिए करके। तो ऐसा काफ़ी सारा लोगों को ऐसा होते रहता है जब हादसा होता है, तो लोगों को आप जरूर ये वीडियो शेयर करो, और काफ़ी सारे लोगों को इसको मतलब ये देखने में मदद हो जाएंगी, कैसे लोग होंगे जिनको ऐसा हादसा हो गया, तो उनको 2-3 दिन तक मतलब ये चलते रहता है, ये मतलब तकलीफ होती रहती है। तो ज़रूर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि लोगों को काफ़ी मदद हो जाएंगी। बेल आइकॉन जो आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, काफ़ी लोग संपर्क हमें करते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग करके फिर हमारे यहाँ दाखिल होते हैं, इलाज करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।